तमाम बातों को समझने के लिए आइए चलते हैं चिकित्सक के पास चिकित्सकीय दृष्टिकोण में। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट विषय पे, जो कि है गठिया यानी जोड़ों का दर्द यानी कि आर्थराइटिस। हम आपको बताते हैं, एक बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है कि आर्थराइटिस वास्तव में होता क्या है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि आर्थराइटिस कोई बीमारी नहीं है। आर्थराइटिस यानी जो आपको जोड़ों का दर्द हो रहा है यानी कि जो गठिया है, वो कई सिम्टम्स का एक कलेक्शन है। जब यहाँ कई सारे सिम्टम्स एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ आर्थराइटिस के फॉर्म में आ जाते हैं। यहाँ जो गठिया है, हम सब के परिवार में कोई ना कोई गठिया से ज़रूर इफेक्टेड होगा, इसलिए हम लोग जानते होंगे हिंदुस्तान में 6 करोड़ लोगों को लगभग गठिया है। यहाँ 200 से अधिक ज़्यादा प्रकार की होती है, जिसमें से कि 3 हम लोग या 5 हम लोग बहुत कॉमन जानते हैं। पहला हो गया ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा हो गया रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तीसरा हो गया गाउट, चौथा हो गया सोरियाटिक आर्थराइटिस और पाँचवा हो गया ट्रोमेटिक आर्थराइटिस। ये 5 तरह की आर्थराइटिस हम सबको पता है, लगभग उसका कहीं ना कहीं हम लोगों ने नाम सुन रखा है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए इसका डिफ्रेंसिएशन बता देता हूँ, ताकि आप आगे कभी इलाज करें तो आप सही व्यक्ति और सही इलाज करें, यही इस कार्यक्रम का मकसद है। सबसे पहले आ जाते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस पे। ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे ज़्यादा होने वाली आर्थराइटिस है, इसको वियर एंड टियर आर्थराइटिस भी कहते हैं। इससे जोड़ों में आपके जो कार्टिलेज होती है उसको नुकसान पहुंचता है, वो रप्चर हो जाती है। ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, यह बेसिकली बड़े जोड़ों में होती है, जो लार्ज जॉइंट्स होते हैं आपके, उनको यह पकड़ती है और यह एक एक करके पकड़ती है। एक साथ ये पूरे शरीर में आपको दर्द नहीं होगा, किसी एक घुटने से शुरू होगा या एक कूल्हे से शुरू होगा, फिर दूसरे कूल्हे में जाएगा या घुटने में जाएगा। उसके अलावा या जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, इसको पता करने का भी बड़ी आसान सी बात है। 2 बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली कि अगर आपको जीने चढ़ने में दिक्कत हो रही है, हड्डी खटखट बोल रही है, क्रैकिंग ऑफ जॉइंट्स हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं हो सकता है आपकी आर्थराइटिस हो यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो। दूसरी स्थिति जो इसमें होती है, आप जब चलते हैं और जब रुकते हैं तो आप ज़्यादा देर खड़े नहीं रह पाते हैं। अगर आपको ज़्यादा देर खड़े रहने में दर्द है तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इसको पता करने के ये 2 तरीके हैं। इसके अलावा आप एक एक्सरे करा लें अपने जॉइंट का, आपको जॉइंट स्पेस रिड्यूस मिलेगा और आप जान लेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस है। दूसरा आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एक साथ आपका जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, हड्डी के किनारों की जो मेम्ब्रेन होती है, उसमें एक साथ सूजन आ जाती है, यानी कि बाइलेटरल सिमेट्रिकल दर्द होता है। इस कोनी में है तो इस कोनी में भी है, इन उंगलियों में है तो इन उंगलियों में भी है। ये हो गया रूमेटॉइड। इसको पता कराने का 150 रुपये की जाँच है ESR फैक्टर। अगर आपका ESR बढ़ा है, कभी भी आप रिपोर्ट कराइए उसमें इस ESR देख लीजिए, अगर ESR बढ़ा है तो आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और RA फैक्टर करा के आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। तीसरा हमने बताया गाउट। गाउट वो स्थिति होती है जब हम लोग के बड़े बुजुर्ग, आपने देखा होगा उनके इनमें लार्ज ये जो छोटे जॉइंट का ग्रेट फिंगर होती है या ग्रेट टो होता है, इसमें उभार आ जाता है। जब यह कंडीशन हो जाए तो इसको आप गाउट समझ सकते हैं। यह प्रोटीन का यूरेट के क्रिस्टल्स के डिपोजिशन से होती है और इसको सही करना भी बहुत आसान है। एक तो आप यूरिक एसिड चेक करा लें और आप प्रोटीन रिच कंपाउंड्स को खाना कम कर दें तो आप देखेंगे कि आपका गाउट ठीक होने लगा। चौथा सोरियाटिक आर्थराइटिस आता है, जिनको सोरियासिस दिक्कत होती है, जो आजकल बहुत कॉमन है, उनको जॉइंट्स में पेन हो जाता है, इसको सोरियाटिक आर्थराइटिस कहते हैं। 5वीं आती है ट्रोमेटिक आर्थराइटिस। हमारे क्लिनिक पे आते हैं मरीज, वो कहते हैं डॉक्टर साहब 20 साल पहले चोट लगी थी लेकिन अब बहुत दर्द होने लगा है। तो 20 साल पहले की चोट का दर्द अब हो रहा है, तो यही ट्रोमेटिक आर्थराइटिस है। जब आपके कोई चोट लगती है उसके बाद आपके पेन ट्रिगर हो जाता है तो उसको हम लोग ट्रोमेटिक आर्थराइटिस कहते हैं, और यह भी एक प्रकार की गठिया होती है। इसके अलावा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी एक गठिया का पार्ट है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस भी गठिया का पार्ट है, और तमाम ऐसे पार्ट हैं। तो ये कुछ मैं आपको बातें बताया, क्योंकि अगर आप जज कर लेंगे तो आप अपने को ठीक भी कर लेंगे।